अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए एच की पैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यू मोबाइल 3330, इसका फ्लैश फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा पासवर्ड किस तरह अनलॉक किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें SPD के USB ड्राइवर भी चाहिए होंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, और मेरिकल का क्रैक, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने SPD के USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, और ये मेरिकल का क्रैक ओपन करके SPD वाली पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद रीड अभी मैं करता हूँ। तो नीचे चूज़ टाइप के आगे जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपने 6631E वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हमने इसे स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद दोस्तों, मोबाइल को हमने कैसे कनेक्ट करना है, इसका यस वाला बटन, जो जिससे कॉल हम यस करते हैं, वो वाला बटन दबा के हमने तो इसमें USB केबल लगानी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यस का बटन दबा के तो फिर USB केबल लगाई है, तो इसकी हमें फाइल रिसीव हो गई है। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका पासवर्ड किस तरह अनलॉक करना है। तो दोस्तों, सिंपल सा यही एक तरीका है। जैसे हमने रीड के ऊपर क्लिक किया था, अब हमने RD अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे हमने चूज़ टाइप के सामने 6631E ही रहने देना है। यहाँ पे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर हमने स्टार्ट का बटन दबा के फिर वैसे ही मोबाइल को कनेक्ट करना है, लेकिन बैटरी निकाल के फिर डाल के फिर यस का बटन दबा के फिर केबल लगा देनी है। तो जैसे ही केबल लगाएंगे तो एक नीली सी लाइन चलेगी, और थोड़ी देर बाद हमें कोड बता देंगे। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कोड आ चुके हैं, तो आप भी इसी तरह लगा के कोड अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए HP पैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।